आज हम यहाँ पे मीडिया को बुलाने का मकसद हमारा यही है। हम करगिल बौद्ध एशियन, करगिल और ज़ंस्कर दोनों के सदरात में हमने ये फैसला हुआ कि आज लद्दाख में जो हमें यूटी मिला है, हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों का शुक्रगुजार है। हम पहले भी कह चुके हैं, साथ साथ में हमारे लद्दाख से अपेक्स बॉडी को दिल्ली में बुला के उनको आश्वास दिलाया कि सिक्स शेड्यूल के प्लस में उन्होंने कुछ देने के लिए, तो हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। दूसरा हमारा ये है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हमारा कुछ इश्यूज है कि बौद्धिज एसोसिएशन करगिल और ज़ंस्कर दोनों उसमें मुलव्वज़ नहीं है अभी तक। हमने शुरू से ही सिक्स शेड्यूल के मुफाद में बात किया है, सिक्स शेड्यूल के फेवर में हमने बात किया है, तो हम चाहते हैं अभी जो भी है हम सिक्स शेड्यूल के साथ है, यूटी के साथ है, लद्दाख के साथ है, तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का ये कहना है कि हमारे साथ सारे जितने भी मजहबी इदारे हैं, जितने भी पॉलिटिकल इदारे हैं, वो सारा उसमें मुलबिस है। ये सारा बात गलत है कि अभी तक हमने केडीए के साथ कोई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी या कोई दूसरे मीटिंग में भी हमने उनके साथ शेयर नहीं किया है। तो हमारा ये कहना है हम लोग ज़ंस्कर और करगिल पोजिशन दोनों मिल के, तो हमारा कम से कम 40 गांव, 40 नंबरदारान के अंदर गांव आता है, तो कम से कम करगिल का 20% पॉपुलेशन हम होते हैं और 60% हमारा लैंड होते हैं करगिल में, तो हम इसका सख्त मुजाबंत करते हैं जी करगिल केडीए का, जिसमें उन्होंने कहा सारे मजहबी इदारे इसमें मुलबिस है। ये हम चाहते हैं कि उनके लीडरेंस है कि ये ना कहें हम बुद्धिज दर्शन करगिल भी उसमें मुलबिस नहीं है, बुद्धिज दर्शन ज़ंस्कार भी मुलबिस नहीं है, आर्यन वैली भी मुलबिस नहीं है, कहीं से भी नहीं है, तो हम ये चाहते हैं आगे के लिए। तो दूसरा बात ये है कि हम अमित शाह जी से, हम माइनॉरिटी करगिल और ज़ंस्कार करगिल के माइनॉरिटी लोग का ये कहना है कि करगिल से जो भी डेलीगेशन दिल्ली बुलाएंगे तो उसमें हमारा नुमाइंदा होना बहुत ज़रूरी है।